लेकिन सर जब एग्जाम में गए तो एक और प्रॉब्लम आ गया मेरे साथ सर, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा था वहां पर। बाप मतलब रे, मैं माउस ये माउस में सर मैं एक लेटर दबाता था तो सर 3-4 बार वो टाइप हो जाता था। तो मैं सर समझ गया था आज दिन नहीं है मेरा और आज कुछ नहीं होने वाला तो मैंने कहा अब देखते हैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, मैंने कहा हटाओ यार अब कोई पेपर वेपर देखते। उसके बाद सर मैंने कहा सर अगली बार देखेंगे नेक्स्ट टाइम, और ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। वेलकम टू एक्सर्जिक, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस सेशन में इंटरेक्शन करते हुए तरुण से, जो कि एक्सर्जिक के लर्न कॉम्बो मतलब वीडियो कोर्स स्टडी मटेरियल रिवीजन कोर्स में लास्ट 2 ईयर से एनरोल है। और इसके अलावा आई थिंक तुमने क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज भी लिया हुआ था, कंफर्म कर दो एक बार मुझे। यस सर, लिया हुआ था सर। ओके, तो एक बार तरुण अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कॉलेज था, कौन सा अटेम्प्ट था, क्या क्या कोर्सेज तुमने रेफर किए एक्सर्जिक के, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण हरकोट, आई एम करेंटली पर्सुइंग बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIIT जबलपुर, एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद कॉलेज आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 48 एंड फ्रॉम गेट मैकेनिकल 2021, एंड I was a exergic user of Solve Combo plus Learn Combo from last 2 years. That's right, right. I think around July 2019. You yes, sir. 20, I still remember the exact date, 28th of July. I think, yeah, it was 28th of July. Yes, right, sir. Right, right, right. So, सबसे पहले आप ये बताओ कि क्योंकि इस वक्त मेरे को बहुत सारे और भी लोगों के queries मेल पे और प्रीमियम ग्रुप में आ रहे हैं कि डिटेल में कोई स्टूडेंट सर हमें वीडियो कोर्स का बताए कि कैसे प्लान करना है वीडियो लेक्चर्स को, कैसे प्लान करना है उसके बाद नोट्स मेकिंग को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा तुमसे होगा वो यही होगा कि जब तुम एक्सर्जी के लेक्चर्स देख रहे थे तो किस तरह से तुमने नोट्स मेकिंग प्लान की, सबसे पहले ये बताओ। सर सबसे पहला मेरा मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था एक्सर्जिक से, मेरा अभी मतलब मुझे याद है थ्योरी ऑफ मशीन मैंने स्टार्ट किया था, तो सर मैं उस टाइम पर मतलब मुझे इतना कह सकते हैं रफली कोई आइडिया नहीं था किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो मैं मतलब लेमैन तरीके से मैं उन्हें पूरा मतलब डिटेल में नोट्स बनाता गया उनको। और सर मतलब थ्योरी ऑफ मशीन में मुझे अभी तक याद है मेरे अराउंड 300 पेजेस पूरे कवर हो गए, और जब मैंने और उस टाइम पर मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं लगाया था उसका सर। तो जब मैं उसके बाद जब मैं प्रीवियसली उसके गया दोबारा रिवीजन कर रहे हैं सर, मुझे कुछ याद ही नहीं था, बस जो जो आपने जो मतलब फंडेज बताए थे वो थोड़े थोड़े बिल्कुल स्ट्रिक कर रहे थे, लेकिन मुझे और कुछ इतना कुछ याद नहीं था, फॉर्मूलेज वगैरह भी मैं भूल गया था काफ़ी। तो सर वहाँ से मैंने एक सीख ली कि नोट्स चाहे मतलब हम 300 पेजेस के बनाएं तो ये कोई काम के मतलब बिल्कुल नहीं हो सकते। तो लास्टली मतलब जब मैंने उसको अराउंड 7 डेज मैंने सर दिया था कि उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सर वो मेरा फर्स्ट टाइम था शॉर्ट नोट्स में मैं कन्वर्ट कर रहा था, तो उस इस वजह से शायद उसमें ज़्यादा टाइम भी लग गया। लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज अगर मैं देखा जाए, जो मैंने लास्ट अभी 6 मंथ पहले ही अगर कोई सब्जेक्ट किया है जिसमें मुझे पूरी आदत हो गई है कि कैसे सब्जेक्ट कवर करना है, तो मैं सर यही कहना चाहूँगा लोगों से कि जो टॉपिक आप जिस दिन कवर कर रहे हैं लाइक 1 आवर 2 आवर का अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, उसी दिन आप ट्राई कीजिए उसके जो फॉर्मूले हैं इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो सर आप कोई एक छोटा सा कोई नोट ले सकते हैं, उसमें आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सर गेट एग्जाम में आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है कि अराउंड 85% इवन मोर देन 85% न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो थ्योरी का सर इतना कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंस बचा है इस टाइम पर फॉर गेट एग्जामिनेशन, इट माइट बी फॉर अदर एग्जामिनेशन, लेकिन गेट के लिए अगर आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सर न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, प्लस आप सॉल्व मतलब जो आपके सर जैसे एक्सर्जिक में प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, क्वेश्चन बैंक होती है एक्सर्जिक में, जी जी जी, और सर जो स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन होते हैं काफी गेट के लिए वेल ऑर्गेनाइज क्वेश्चन होते हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर आई थिंक उसके बाद अगर आप ये सब करने के बाद अगर आप और कोई सोर्सेज मतलब फॉलो करने का टाइम मिलता है तो करिए, लेकिन ये सब सर सबसे पहले हमारा बेसिक एम होना चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग था स्पेशली प्रैक्टिस सेशन सर, मतलब बहुत ही अच्छा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस सेशन
प्लान ही उस हिसाब से किए गए थे, काफी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन से आए हुए हैं। जी 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 आई स्टिल रिमेम्बर वो सर क्रैंक एंड स्लॉटेड क्वेश्चन जो हमारे सेट वन में आया था सर, डायरेक्ट आंसर मुझे पता था उसका, मैंने सॉल्व भी नहीं किया था, डायरेक्ट टू लिख कर आया था मैं, वो सही हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी तो नोट्स के लिए जैसे मैं समराइज करूं जो तुमने कहा कि ये जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स रहें, पहले सब्जेक्ट से तुमने इस चीज को सीख लिया, लेकिन उसके बाद जब तुमने इसको देखा आगे तो क्या डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बना पा रहे थे तुम लेक्चर को देख के, या लगा कि नहीं डिटेल में ही बनाता हूँ फिर शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्या तरीका यूज किया उसके बाद? सर ये मतलब अगर हम कहने की बात कहें कि शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए या ये सब, तो ये सब कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी, तो हमारा सर यही रहता है कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ें कवर कर पाए, हम लोगों का ये रहता है थिंकिंग के ये टॉपिक मिस ना हो जाए, कहीं ये वाला टॉपिक गेट में ना आ जाए, कहीं ये शॉर्ट नोट्स में ना हो पाए तो वो वाला आ जाए। तो इस वजह से सर स्टार्टिंग के मुझे 6 मंथ लगा था पूरा, कि मैं बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाता था लाइक 200 पेजेस 300 पेजेस, लेकिन बाद में सर जैसे ही 6 मंथ हुआ, जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को देखा और प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे, तो सर उसमें काफ़ी हेल्प नहीं हो पा रहा था मेरा। लेकिन जिस दिन सर मैंने शॉर्ट नोट्स फिर उसी को रिवीजन करते टाइम बनाए थे, तो सर उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल और अदर सोर्सेज के भी, उसके बाद जब मैंने सर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, तो आई थिंक अराउंड 95% मैं सॉल्व कर पा रहा था। तो सर शॉर्ट नोट्स जो है फर्स्ट टाइम तो नहीं बन पाते हैं सर, मतलब Agreed. अगर मैं कॉन्साइजली बताऊँ तो Agreed, लेकिन Agreed. बस यही है आप तो बस यही है सर कि प्रैक्टिस अगर हम करते रहें, तो सर वही है 6 मंथ के बाद मुझे पूरा रियलाइज हो गया कि इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि टाइम भी जा रहा था सर, क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे थे, और सर और वो वाले नोट्स मेरे अभी भी मुझे याद है सर, मेरे कॉलेज में है वो नोट्स, क्योंकि कोविड की वजह से सर मैं नहीं ला पाया था, और मुझे भी नहीं पता था कि 1 ईयर के लिए, और अभी तक शायद मैं कॉलेज गया भी नहीं उस टाइम से अब तक। तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स ही थे मेरे पास, मैं लाया भी था घर पर, मुझे याद है मैंने सोचा था कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूंगा, 15 डेज का लॉकडाउन लगा था जबलपुर में, मैंने कहा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन उसके बाद सर आज तक मौका नहीं मिला वो वाले जो लॉन्ग नोट्स हैं मुझे लाने का। हाँ सही बात है, ऐसा ही होता है, लॉन्ग नोट मैंने भी प्रिपेयर किए थे जब मैं एस्पिरेंट था, जी। और वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए हैं बाद में, वो रखे ही रह जाते हैं, बट ये है कि सॉरी शॉर्ट नोट्स कह रहा हूँ, लॉन्ग नोट्स मैंने भी बनाए थे, बट ये है कि एक बार लॉन्ग नोट्स में सब लिख लो तो थोड़ा अच्छा याद रह जाता है, वो मेमोरी अच्छा भी लगता है सर, अच्छा भी लगता है, खुद लगता है देख के कि हाँ मेहनत की है मैंने, मेहनत की है सर। और सर लोगों को मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सर, वो तो मतलब यही कहते थे, अरे भाई मतलब इतने सारे लॉन्ग नोट्स बना रहा है, अरे तूने तो इतनी सारी नोट्स भर दिए हैं, 6-7 नोटबुक्स हो गई है तेरी, तो अच्छा लगता था सर सुन के कि कोई तो मतलब अप्रिसिएशन दे रहा है कि हाँ हार्डवर्क चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, अभी मैसेज कर रहे हैं, कि जो प्रीमियम ग्रुप है उसको तुमने कैसे यूज किया, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप में बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे भी हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के भी हैं, काफी डिस्कशंस भी हैं, कैसे उसके लिए तुमने शेड्यूल फिक्स किया या टाइम फिक्स किया, क्या ओवरऑल तुम्हारा तरीका था प्रीमियम ग्रुप्स को यूज करने का, वो शेयर करो। सर प्रीमियम ग्रुप्स को मेरा बेसिकली यही एम रहता था कि जब भी जैसे मैं कोई सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक में प्रीमियम ग्रुप्स थे उस टाइम पर, तो मैं जब जाता था तो अगर मैं कुछ ऐसी फेसबुक विजिट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर सर बहुत सारे सजेशंस आ जाते थे, बहुत सारे पोस्ट आ जाते थे बहुत अदर स्टूडेंट्स के, जो डाउट्स वगैरह होते थे वो कॉमनली डाउट्स भी होते थे सर, मुझे भी उस टाइम पर लगता था हाँ ये वाली बात तो सही है, मतलब ये वाला तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो पहले तो सर मतलब मैं उनको जब फॉलो करता था, उनके बारे में जैसी कोई पोस्ट दिखा उसके बारे में पढ़ता था कहीं से अदर सोर्सेज या गूगल पर या आपका वीडियो देखता था, फिर उनका भी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता था, फिर कभी कभी जब सर मेरे डाउट्स हो जाते थे वो भी मैं पोस्ट करता था आपका सर, मतलब विद इन अ डे और टू इतने में मतलब रिप्लाई आ जाता था, तो सर वो काफ़ी डाउट आसानी से सॉल्व भी हो जाता था। प्लस सर प्रीमियम ग्रुप से मतलब एक प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, उनको भी मैं फॉलो करता था, और सर ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो फेसबुक एक तरीके से मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा था एक तरीके से, जो पोस्ट दिखता था बहुत से लोग मेम वगैरह देखते हैं, लेकिन मेरा सर यही रहता था कि साफ साफ सामने सामने पोस्ट दिख जाता था कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं वो क्वेश्चन करने बैठ जाता था, तो घर वाले भी कहते थे अरे फोन में चला रहा है, तो मैं उन्हें दिखा देता था क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो सर अच्छा खासा मतलब उससे हेल्प हुआ है। हाँ बिल्कुल, कई सारे लोगों को लेकिन नहीं हो पाता है कंट्रोल, तो इस साल तो हमने प्रीमियम ग्रुप्स को पता ही, हमने अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया है फेसबुक से हटा के,
जी 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 सर, बिना डिस्ट्रैक्शन के बाकी के लोग उसको उससे बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट ये चीज बताओ तरवन की, वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे पास थे एक्सर्जिक के, तो तुमने उनको पैरेलली कैसे मैनेज किया? मतलब क्या तुमने तरीका यूज किया दोनों को कवर करने का, इस पे थोड़ा बात करो। सर वीडियो कोर्स मैंने मतलब सबसे पहले मैंने जो भी नोट्स मेकिंग किया था सबसे पहले मैं सर वीडियो कोर्स से ही शुरू किया था, और सर मुझे काफ़ी हद तक मतलब पूरा समझ में भी आ रहा था, पूरा मैंने नोट्स वगैरह भी बनाए थे। लेकिन उसके बाद जब भी सर मैं कॉलेज में जाता था, मेरे को अभी भी सर आपकी एक वीडियो याद है जिसमें आपने कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए बताया है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैं जब भी क्लास में जाता था मैं अपना फोन थोड़ा नीचे रखता था, जो लेक्चर चल रहे हैं काफ़ी बोरिंग होते हैं ऑब्वियसली थोड़े, तो उसके नीचे मैं स्टडी मटेरियल का जो भी था, जैसे मैंने टॉपिक कवर किया मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो मैं वही मतलब मैकेनिज्म का स्टडी मटेरियल ओपन कर लेता था, और उसमें स्लाइड सर इतनी वेल मतलब कह सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्लाइड्स हैं कि आप एक ही बार में आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, बिस सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसमें सर स्टडी मटेरियल में। तो सर जैसे ही मेरा कोई टॉपिक होता था मैं यही सोचता था कि अगर मुझे क्लास करनी है कॉलेज में, वैसे मैं करता कम था लेकिन अगर करनी है तो मैं वहीं पर जाकर स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर लेता था। ओके, तो तुमने ये स्ट्रेटजी यूज की कि दोनों को पैरेलली किया जाए, जो ज्यादा फोकस यहाँ रह के देखना है जैसे कि हॉस्टल में या घर में तो वहाँ वीडियो कोर्स देखा, और दूसरे जगह पे जैसे क्लास में या कहीं पे स्टडी मटेरियल को तुम देख सकते हो थोड़े ऐसे एनवायरमेंट में भी, तो उसको तुमने वहां कवर किया। ओके ओके, एक चीज इसमें और बताओ कि ये चीज मतलब रिसेंटली क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ उस चीज को तुम भी एड्रेस करो कि नोट्स जो है वो उसमें दोनों वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल का कंटेंट को सिंक कैसे किया जाए। सर नोट्स मेकिंग आई थिंक अगर आप वीडियो मटेरियल से देख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक दिख जाए आपको रेयरली के जो आज तक पूछा नहीं गया और स्टडी मटेरियल में है, तो वो वाला आप थोड़ा सा अलग एक दो पेज छोड़ सकते हैं उस टॉपिक के बाद, उसमें राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको पैरेलली चलना पड़ेगा। हो सकता है सर दो पेज का हो जाए तो आपने एक ही पेज छोड़ा है तो वो सर प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मतलब एक किसी को आप फॉलो कीजिए, मतलब मैं प्रेफर करूंगा वीडियो कोर्स को फॉलो करूंगा पूरा, और फिर अगर मुझे लगता है उसी दिन मैं देख लूंगा वो टॉपिक में कि अगर कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक है सब टॉपिक है उसका जो कवर नहीं हुआ है या मतलब रह गया या जो आता नहीं है, तो वो मैं राइट डाउन कर लूंगा और उसके बाद सर मैं उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। गॉट इट, ठीक है। तरवन, इसमें जो एक डिस्कशन मिस हो रहा है वो है क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि तुम क्वेश्चन बैंक भी तुमने यूज किया है, तुम्हें पता ही है कि उसके लेवल क्वेश्चंस के, तो वो तुमने उसको कैसे इंटीग्रेट किया अपने प्लान में और कैसे तुमने ये इंश्योर किया कि लर्निंग उससे मैक्सिमम ले सको? सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जब स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर दिए थे, मतलब जब मैंने अपने लॉन्ग नोट से दिए थे विदाउट एनी प्रायर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, तो सर उसमें मार्क्स वगैरह मतलब प्रीवियस ईयर भी सॉल्व नहीं हो रहे थे मुझसे, तो मैंने सोचा प्रैक्टिस सेशंस भी उस टाइम पर सर आने लगे थे और सर मतलब स्टडी मटेरियल से भी मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन सर जब मैंने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट एक जगह मर्ज होकर अगर आपको मिल रहे हैं तो सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 3-4 क्वेश्चन हैं, लेकिन उस क्वेश्चन बैंक में जो एक्सर्जी की है उसमें एक ही क्वेश्चन में चारों पांचों क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, प्लस एडिट कॉन्सेप्ट जो कि पूछे जा सकते हैं आगे के कभी गेट में। तो सर क्वेश्चन बैंक में मेरा ये रहता था कि अगर फर्स्ट टाइम मैंने 15 क्वेश्चंस जनरली होते हैं एक मतलब टॉपिक में, तो सर उस 15 में अगर मेरे 5 हो रहे हैं 6 हो रहे हैं तो मैं सोच लेता था कोई बात नहीं है उसमें आगे बढ़ते हैं, और वो 10 क्वेश्चंस को मैं बुक मार्क कर देता था। तो सर लेकिन उसके बाद जब भी मैं उसको विजिट करता था रिविजिट करता था तो वो 10 बुकमार्क क्वेश्चन में मैं वही 10 सॉल्व करता था जो मुझसे नहीं हुए थे, और फिर उनमें से देखता था कि अब मुझसे कितने नहीं हो रहे हैं, अगर 8 नहीं हो रहे हैं तो वो 2 वाले बुकमार्क हटा देता था और 8 ही रहने देता था। ऐसे करते करते सर लास्ट टाइम आ गया था नियरली एवरी टॉपिक में मेरे 2-3 ही बुकमार्क रह गए थे जो मुझे मतलब बार बार करने के बाद भी सर नहीं हो पा रहे थे, और एटलीस्ट मैंने सर 6-7 टाइम्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है और उससे काफी हेल्प हुआ है सर। मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ जब भी अगर मैं किसी भी जैसे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत सारे बार किसरो वगैरह या कोई भी अदर,
चीज के, तो उसमें मैं क्वेश्चन बैंक को तो सर मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा, और किसी चीज को कर पाऊं या नहीं, क्वेश्चन बैंक तो सर सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा तरीका मेरे को बहुत सही लगा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का। उससे एक चेक भी हो रहा है कि यार आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन कॉन्सेप्ट्स। यस सर, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बिल्कुल धीरे सर, धीरे इस अप्रोच से, और इसी बहाने आप बार बार उन क्वेश्चंस को देख भी रहे हो, तो ये बहुत सही तरीका लगा मुझे जिस तरह से तुमने, इट्स वेरी इनोवेटिव, गुड। अच्छा, इसमें अब जो तुमने टेस्ट सीरीज और रिवीजन जो एंड में यूजुअली हम फुल ऑन तरीके से स्टार्ट करते हैं, वो कब से स्टार्ट किया, वो कैसे प्लान किया रिवीजन को, और टेस्ट अटेम्प्ट की फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड की, उस बारे में थोड़ा बताओ। सर मैंने एक्सर्जी के अलावा एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट की और टेस्ट सीरीज ली थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया था 1 or 2 months में कि वो काफी इररिलेवेंट चीजें पूछ रहे हैं, और मतलब एक्सर्जिक में मेरा अच्छा खासा मतलब स्कोर भी हो जाता था स्टार्टिंग में, सर थोड़ा प्रॉब्लम होता था लेकिन फिर उसके बाद मैं ट्रैक पर आने लगा था, लेकिन उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट मैंने दिए थे ना तो सर मेरे मार्क्स आ रहे थे, ना मेरे को सर कोई मतलब कॉन्सेप्ट जो है इम्प्रूव हो रहा था, उल्टा मतलब मुझे ये लगता था कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और वो चीज़ ऐसी है कि आज तक कभी पूछी भी नहीं गई और शायद ना ही पूछी जाएगी। तो सर मैंने लास्ट में आते आते नवंबर में डिसाइड कर लिया था सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है एक्सर्जिक की, और उसमें मेरे रह गए थे सर सब्जेक्ट वाइज प्लस क्या कहते हैं फुल लेंथ, और सर सब्जेक्ट वाइज एक्सर्जिक की ही ओनली टेस्ट सीरीज है जिसमें शायद 2 सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और फुल लेंथ भी मतलब अराउंड 15 के करीब फुल लेंथ होते हैं, तो सर मोर देन सफिशियंट नंबर ऑफ टेस्ट थे। स्टार्टिंग मैंने सर सब्जेक्ट वाइज से की थी, मेरा यही रहता था डेली एक एक सब्जेक्ट वाइज देना नवंबर से तब आगे का यही है सर, तो मैंने ये सोचा था अपने अंदर टारगेट रखा था कि नवंबर के एंड तक मुझे सारे फुल मतलब सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करने हैं, और कॉन्स्टेंटली 1 आवर जो मैं सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ उसके शॉर्ट नोट्स में 1 आवर पहले रिविजन करता था, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज लिख देता था सर, और ये मैंने 15-15 days का मतलब टारगेट बनाया था, जैसे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं सर तो 12-12 ऐसे 24 days हो गए, और 6 days जो बचे थे उसमें एक एक टेस्ट ज़्यादा भी होते हैं सर मैथमेटिक्स के और एप्टीट्यूड के, तो वो सब भी मैंने प्लान किया था। तो आफ्टर द एंड ऑफ नवंबर मैंने मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज मतलब दे दिए थे, और उनका एक न्यूमेरिकल लर्निंग की नोटबुक बनाई थी जो मेरे से पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, और जिसमें हिडन कॉन्सेप्ट है या जो मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या एक्यूरेसी में कभी राउंड ऑफ अगर कुछ पूछा जा रहा है तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ सर, वो सब मैंने लिखा था राइट डाउन किए थे, और वो मैं कॉन्स्टेंटली विजिट करता रहता था किसी भी टेस्ट से पहले, ज्यादा सर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेज का हो पाता था, तो वो मतलब आसानी से आप विजिट कर सकते हैं। तो नवंबर के बाद मेरा सर यही प्लान था कि दिसंबर और जनवरी में 60 days होते हैं और मुझे 15 full length देने हैं, तो मैंने प्लान किया था सर कि 15th of December तक मैं सारा रिवीजन कर लूँगा कम्प्लीटली, और उसके बाद मैं फुल लेंथ देना शुरू करूँगा, और 1st January तक मैंने प्लान किया था 7 full length टेस्ट दूंगा, और उसके बाद सेम सर मैंने उसमें किया था जनवरी में कि 15th of January तक मैं फिर रिवीजन करूँगा, उसके बाद मैं 15th of January से फेब के स्टार्टिंग तक फिर जो बचे हुए 7 to 8 टेस्ट हैं उसमें से 6 दूंगा, बाकी के 2 टेस्ट पेपर से पहले अराउंड 7 to 9 दे सकते हैं आप। तो ये मैंने सर प्लान किया था, ऑल्टरनेट डेज में जनरली मैं टेस्ट दे देता था, और सर उससे काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि एक्सर्जिक के ही मैं कहूँगा ओनली टेस्ट सीरीज है जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि 3 आवर्स में आप टाइम मैनेजमेंट कर जो होता है उसका काफ़ी हद तक पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली सर गेट के लिए बहुत ही एप्ट है वो एक्सर्जिक की टेस्ट सीरीज, कोई आपको मतलब अपने से ऐसा एफर्ट देने ही नहीं है कि कहीं और जाए या कुछ है। उसमें सर काफ़ तक मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते थे जो गेट में अब पूछे जाने लगे हैं, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट सर टेस्ट सीरीज पे भी आए थे, तो मतलब काफ़ी हेल्प मिला था इस वजह से भी, और मतलब टाइम मैनेजमेंट भी सर काफ़ी हद तक मैनेज हो पा रहा था। ओके ओके, अच्छा इसमें ये चीज बताओ कि जो आखिरी के दिन होते हैं जब गेट बस आने ही वाला है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बचे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो बिल्ड होता ही है, स्पेशली 2 साल की मेहनत है पिछले, तो उसको तुमने कैसे मैनेज किया प्रेशर को, और एग्जाम आर में कैसे उसको अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखा? सर लास्ट के 5 days के अराउंड आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने मतलब अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे बताया था कि मतलब सक्सेस
मतलब ये एग्जाम ही है 3 आवर्स का, ये कोई मतलब इतना हमें उसे ऐसा नहीं देना है कि मतलब हो नहीं पाएगा, या आपने जो अगर मेहनत किया है तो वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर मेरे टेस्ट सीरीज में भी अराउंड 70 to 75 मार्क्स आते रहते थे। तो सर लेकिन लास्ट के 5 डेज में सर ऐसा हुआ था, रात को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी सर, और बिल्कुल भी ऐसा हो गया था कि इवन द लास्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम मुझे सर अभी तक याद है, मुझे मैंने 1-1 घंटे का ही नींद लिया है। अंदर ये प्रेशर था कि इतना मेहनत किया है, 12 आवर्स मैंने डेली इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ पर, अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो मैं काफ़ी मतलब हद तक डिप्रेस होने लगा था, धीरे धीरे होने लगा था। और फिर मैंने सर एक टेस्ट सीरीज मतलब मैंने एक टेस्ट दिया था सर एक्सर्जी का रेंडमाइज वाला, उसमें भी मेरे 75 आए थे। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा कहा कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस टेस्ट 3 आवर्स का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो आसानी आएगा गेट का। लेकिन सर जब एग्जाम में गए तो एक और प्रॉब्लम आ गया मेरे साथ सर, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा था वहाँ पर, मतलब मैं माउस माउस में सर मैं एक लेटर दबाता था तो सर 3-4 बार वो टाइप हो जाता था। तो मैंने उनसे कहा भी था इन्विजिलेटर से कि सर माउस चेंज कर दीजिए, उस टाइम पे वो कॉपरेट नहीं किया, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सही हो जाएगा, अपने आप चलता रहेगा। जब एग्जाम सर शुरू हुआ मैंने फिर से चेक किया माउस को, सेम प्रॉब्लम फिर से हुई, तो उसमें भी सर 2-3 मिनट मेरा लग गया था कि उन्होंने माउस चेंज किया, फिर ये सब किया। तो मैं सर समझ गया था आज दिन नहीं है मेरा और आज कुछ नहीं होने वाला मैं काफी हद तक डिप्रेस हो गया था। और रैंडमाइज पेपर था सर, क्योंकि आज तक प्रैक्टिस भी नहीं की थी, क्योंकि मैं सर जनरली 2 मार्क्स का पहले करता था, फिर एप्टीट्यूड, फिर 1 मार्क्स का करता था। तो मैंने कहा अब देखते हैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, मैंने कहा हटाओ यार अब कोई पेपर वेपर देखते उसके बाद सर मैंने कहा सर अगली बार देखेंगे नेक्स्ट टाइम, और ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। लेकिन सर स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस आए थे वो हमारे सेट के सर मैं कहूंगा काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, लाइक 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे आए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे सर मैंने आपको बताया था क्रैंक इन स्लॉटेड वाला, मैंने देखते ही कह दिया था इसका आंसर ये होगा, फिर भी मैंने करके ट्राई किया था, 2 ही आया। तो ऐसे 5 क्वेश्चन मेरे से स्टार्टिंग में बन गए थे, तो मैं समझ गया था कि लक तो है, बस वो उस टाइम पर थोड़ा सा नहीं किया था। अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से ट्राई करूंगा तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो सर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता गया, कोई आइडिया नहीं था सर, क्योंकि हमने रैंडमाइज टेस्ट काफी कम प्रैक्टिस किए थे, तो मतलब क्लॉक चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि कहां पहुंचे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है, इतना इसमें क्वेश्चंस भी छोड़ रहे हैं सर और कुछ आ भी नहीं रहे हैं। और सर पेपर का मैं समझ गया था सर, मतलब काफी अच्छा लेवल आया था, सेट 1 का सर मेरा पेपर था, तो काफी ठीक मेरे को पेपर लग रहा था। उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो काफी लेंथी हो रहे थे। सर अभी तक याद है मुझे एक वेल्डिंग का क्वेश्चन आया था, मशीन डिजाइन वाला, वो सर काफी मतलब वो प्रैक्टिस सेशन से उठ के क्वेश्चन आ गया था पूरा, मुझे हाँ जी जी सर, वो वैसे काफी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन सर मेरे से एक बार में हो गया था वो। तो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी थे जो मेरे से एक बार में हो गए थे और जो काफी लेंदी लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ आप कुछ अच्छा जाने लगा है, ट्रैक पर चल रहा है सब कुछ। लेकिन सर बस यही रह गया था आखिरी के 1 आवर में अराउंड 15 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रह गए थे, प्लस 15 के करीब वहां पर रह गए थे, 40 तक मैं पहुंच पाया था, और रिविजिट भी करने थे। तो उस टाइम पर लग रहा था सर कि नहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन लकीली 1-1 मार्क्स के फिर ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि सर पता ही नहीं था 2 मार्क्स के कब आ रहे हैं, 1 मार्क्स के कब आ रहे हैं, तो 1-1 मार्क्स ज्यादा आने लगे, फिर मैं बीच में छोड़ता भी गया मैंने कहा। और एक क्वेश्चन सर आया था हमारे टेस्ट में, आईसी इंजन उन्होंने लैंग्वेज लिखा था स्टार्टिंग में, और वो वाइब्रेशन का क्वेश्चन था, और कैम फॉलोअर भी बना दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल देखने में वो ऐसे नहीं लगेगा कि वाइब्रेशन का क्वेश्चन है। मैंने कहा बिल्कुल तो सर वो वाला क्वेश्चन मैंने देखते का ये तो नहीं होना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने जैसे स्क्रॉल किया उसका फिगर देखा, मैंने कहा आईसी इंजन कैम फॉलोअर, लेकिन स्प्रिंग आ गया, फिर वो हिंज भी था, तो मैं समझ गया हो सकता है ये वाइब्रेशन का। तो मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, लास्ट की 2 लाइन पढ़ी थी, उसमें उसने क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पूछा था, मैंने कहा ये वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, और उसने मेंशन भी कर दिया था कि कैम फॉलोअर को आपको स्टिफनेस दी हुई है, तो मैंने वो क्वेश्चन भी मतलब ज्यादा हाँ हाँ तो वो क्वेश्चन में मैंने बिना पूरे पढ़े मैंने आगे तक बस 2-3 लाइनें पढ़ी, उसके जो गिवन था दिया, आगे बढ़ता गया सर। और फिर लास्ट के 15 मिनट्स में मुझे एप्टीट्यूड भी करना था सर, और मतलब काफ़ी रिविजिट भी कर रहे थे क्वेश्चन, तो सर अराउंड 7 मिनट्स में मैंने एप्टीट्यूड कम्प्लीट किया, मेरे को 30 मैंने
अटेम्प्ट किया, 13 में 13 आ गए, एक इंग्लिश अरे क्वेश्चन नहीं कर वाह पाया। मैंने कहा इंग्लिश तो मैं वैसे भी सोच के गया था नहीं करनी है मुझे, क्योंकि सर जनरली मैं टेस्ट सीरीज में जितनी भी इंग्लिश सॉल्व करता था, हर इंग्लिश मतलब हर क्वेश्चन गलत होता था मेरा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कभी सही हुआ। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम पे कहा कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए, बाकी के 3 ऑप्शंस मुझे अच्छे लग ही नहीं रहे थे, मतलब साउंड गुड टाइप ही होती है हम लोगों की इंग्लिश, वो अच्छे लग ही नहीं ग्रेट रहे थे। तो लकीली वो दोनों सही हो गए, तो इस वजह से एप्टीट्यूड का मिलाकर सर लास्ट में मुझे मिल गया था, 5 मिनट्स के राउंड मिला था। 5 मिनट्स में मैंने थ्री क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, 2-2 मार्क्स के, और वो उसमें से 2 क्वेश्चन सही भी हुए हैं, अरे वाह, और सर बाकी के 6-7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो सर एक्यूरेसी काफी ठीक था मेरा, लाइक नेगेटिव में सिर्फ 1 ही गया है, बहुत ही अच्छा। और सर एक्यूरेसी की वजह से ही सर नॉर्मलाइजेशन में भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली फ्रेंड था, सर मेरा फ्रेंड था बता रहा था कि उसकी एक्यूरेसी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, उसके शायद नेगेटिव में 5 गए थे, लेकिन उसको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स ही मिले थे, मुझे अराउंड 5 मार्क्स के करीब नॉर्मलाइजेशन में भी मिले थे सर, बिल्कुल, तो उसका भी एक्यूरेसी सर हाई होने काफी अच्छा। पे ज्यादा फायदा होता जी ही है सर, उसका। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम्हारा, जो तुमने अपने 3 आवर्स डिफाइन मतलब एक्सप्लेन किया एक मूवी की तरह मुझे फील हुआ बहुत। आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि ये माउस वाली जो प्रॉब्लम है ये जी कॉमन प्रॉब्लम है, हर साल स्टूडेंट्स के साथ ये होती है। जो कैलकुलेटर है सर, TCS-ION का कैलकुलेटर, ये उसमें इनहेरेंट बग है ये। तो इस यस चीज सर, के लिए पहले ही लोगों को चेक कर लेना चाहिए अपना माउस, छोटी सी चीज है ये बट ऑब्वियसली अफेक्ट कर सकती है पूरा साल। और उसके अलावा बिल्कुल जो भी सर, चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें तुमने बताई, आई एम श्योर ये बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। इसके अलावा अभी जी बहुत बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स तुमको भी मैसेज करेंगे, प्रीमियम ग्रुप में हैं जो सारे पूछेंगे, उनको भी अच्छे से गाइड करना तुम, क्योंकि अब श्योर तुम्हारी सर, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एस्पिरेंट तुम थे, अब तुम एक रैंक लाने के बाद तुम्हारा काम हो गया गाइड करना लोगों को सही डायरेक्शन में। तो आई एम श्योर तुम उनको अच्छे सर, से अच्छी डायरेक्शन दोगे, और आई विश यू ऑल दी बेस्ट आगे के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और मेल में तो हमारी बात होती ही रहती है, तो कोई भी बिल्कुल इशू सर। भी होगा तो यू कैन ऑलवेज मेल मी। कांग्रेचुलेशंस। सर एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज बोलो। सर, मतलब ये मेरा एक ड्रीम था आपसे बात करने का, क्योंकि सर जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन अपनी 2nd ईयर के कंप्लीट होने के बाद, तो मैंने सर मतलब एक ही सोर्स को स्टार्ट से फॉलो किया था, एक्सर्जिक, और सर मेरे को जैसे ही मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट कवर किया था, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे कभी ना कभी कुछ ऐसा करना है कि सर से कभी बात हो पाए पर्सनली भी, या कुछ भी, या सर से कभी मिलने का भी मौका मिल पाए, तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आप मतलब आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी, और आप जिस तरीके से कंटेंट डिलीवरी करते हैं सर, आई डोंट थिंक कि मैंने मतलब बहुत सारी फैकल्टीज हैं, मैंने कोटा में भी गया था पढ़ा था, और बहुत सारी फैकल्टीज हैं मेरे कॉलेज में भी जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको मतलब मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता उन सभी, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि मैं एक्सर्जिक से स्टार्टिंग से जुड़ा रहा, और मैं मतलब आपको ही थैंक कहना चाहूंगा, ये सब जितने जो भी हुआ है सब आपकी ही वजह से हुआ है, और एक्सर्जिक की टीम ने भी काफ़ी हेल्प की है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं उनसे डायरेक्टली मेल पर बात कर लेता था, और काफ़ी हेल्प मिला है सर मुझे, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू। ये सारे वर्ड्स जो हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि हर सेशन हर ईयर हम और मेहनत करें, और डेफिनेटली मिल भी पाते, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कोविड की कि जी बहुत सर, जिन जिन लोगों से मैं मिला भी हूँ अभी, बहुत सेलेक्टेड लोग ही आ पाए हैं। होपफुली आगे यस आने सर, वाले वीक्स में महीनों में चीजें बेटर होंगी तो हम मिलेंगे बिल्कुल सर, डेफिनेटली अवार्ड बिल्कुल सर, सेरेमनी बिल्कुल में। मिलना चाहूंगा सर और मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जी सारी सर, चीजें डेफिनेटली हम प्लान करते हैं। श्योर सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस तरवन वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर।